तो हाय गाइस, आज हम आ चुके हैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके जो बनी है सिचुएशन पे। जैसे कि हार्ड सिचुएशन हो जाती है, जैसे कि कभी कभार हमने लैंड किया जैसे आप देख सकते हैं और हमें गन नहीं मिली। तो ऐसे सिचुएशन में जिस प्लेयर के पास हमारा जो टीममेट्स है अगर उसको गन मिला है तो हमें उसके साथ उसी के पीछे कवर में रहना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे इस पार्टनर को गन मिल चुकी है इसलिए मैं इसके पीछे था, इसको डैमेज पड़ा तो ये भी पीछे आया। तो सिचुएशंस तो बहुत ही हार्ड हो जाती है जब आपको गन नहीं मिलती। तो ऐसे सिचुएशन में हमें वापस लौट जाना चाहिए अपने पार्टनर के पास जिसके पास गन हो। हार्ड हो जाती है जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरे पार्टनर के पास गन है और मैं उसी के साथ साथ उसी को फॉलो करूंगा जब तक मुझे गन नहीं मिल जाएगा। और यहाँ पे हमें मिल चुकी है अपनी रानी MP40, जो कि बहुत ही खतरनाक गन आप जानते हो है क्लोज रेंज के लिए। और अब फार्मस भी मिल चुकी, पर यार इसमें तो एमओ ही नहीं है। अरे यार चलो देखो, हमारा बंदा एक डाउन हो चुका है, इसलिए हमें इस सबसे बड़ी बात तो हमें साथ में होना चाहिए। कभी भी स्क्वाड रैंक लो अगर आपको रैंक पुश करना है तो सबसे ज़्यादा आपको साथ में होना चाहिए। अगर और शेयर, तो यार गेम में सबसे बड़ा चीज़ शेयर करना। जैसे कि मेडिकेट देखो अभी मैंने इसको दिया, जैसे अगर इसके पास ना हो स्टार्टिंग में तो हर चीज़ शेयर करनी चाहिए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। ले अब आगे आते हैं। जैसे कि मेरे पार्टनर ने अभी वहाँ पे एनिमी देखा तो उसने मेरे को बताया, तो देखो उसको पता है कि बंदे नीचे भी है और जहाँ पे मैं स्कोप कर रहा हूँ वहाँ पे भी और नीचे घर में भी। तो जब मैं नीचे जाऊँगा तो देखना मेरे को डैमेज पड़ा तो मेरे पार्टनर ने मेरे को कवर फायरिंग दी ताकि मैं उस घर की तरफ रश कर पाऊँ। और हमेशा थोड़े आराम से, जहाँ तक जल्दीबाजी तो नहीं करना है कि जल्दी जो करता है तो फिर समझ लो उसका तो गेम बजना ही बजना है। एक पार्टनर को देखो जैसे कि अब्दुल भाई हमारे मार रहे हैं, और यहाँ पर थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि घर से कौन निकला, पर इसको डाउन किया, वॉल लगाया और देख सकते हो कि यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन किल हुआ। हमारे अभिषेक भाई भी आ गए, पर ये मेरा पहला किल है। अभिषेक भाई का तो अभी तक हो चुका होगा बहुत। पर अगर स्क्वाड में आप खेलो एक अच्छी स्क्वाड लेके तो आपको किल तो मिलने ही मिलने वाली, चाहे स्टार्टिंग में या तो लास्ट में, या फिर ग्लू वर्ल्ड है सर अगर उनके पास है तो शेयर नहीं करते। वो सोचते हैं कि यार उनको काम पड़ेगा, पर जिस बंदे के पास नहीं है वो तुम्हें कैसे रिवाइव करेगा अगर किसी ने तुम्हें डाउन कर दिया। जैसे कि अभी मेरे पास देखो 5 ग्लू वर्ल्ड है तो भी मैं अपने प्लेयर को एक दे रहा हूँ अगर उसके पास है या नहीं है, क्योंकि उसका माइक ऑन नहीं था। क्योंकि अगर बाई चांस मैं भी डाउन हो गया तो मेरा पार्टनर तो कम से कम मुझे रिवाइव कर पाए, वरना चीज़ ये होती है कि ब्लू वॉल बहुत सारे बंदे होते हैं जो कंजूसी ही करते हैं यूज़ भी करने में और दूसरों को भी देने में। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बंदा आगे है, तो हमारी देखिए पोजीशन देखिए कि अगर हमारा एक बंदा आगे है और अब देखो पड़ी पीछे से पड़ी एनिमी कहाँ से आ जाए, इसलिए इसको किया दिया। अरे 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 ये देखो, देखा, पता नहीं कि बंदा कभी भी तुम्हें मार सकता है, इसलिए स्पीड स्पीड तो सबसे ज़्यादा मायने रखती है सिचुएशन पे, कि आपको पता चल जाना चाहिए कि आपको डैमेज पड़ रही है लूटते समय या तो किसी और जगह पे ध्यान देते समय कि आपको डैमेज पड़ रहा है। तो पहले जहाँ पहले आपको डैमेज जो बंदा मार रहा है पहले आप उसको कवर लीजिए, उसको मारिए। एडमंड लगी, पता नहीं कौन नमूना लगा गया, तो चलो वहाँ फाइट होने लगी, रेस्ट करते हैं। और ये डाउन, अरे 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 पीछे से, चलो मस्त वाला ग्लू वॉल लगाया। और अगर आपका बंदा किसी प्लेयर को डाउन कर देते तो उसके किल के लिए आपको फटाफट पहले उसके भी जिसने जिसको डाउन किया उसको मार देना चाहिए। और MP40 तो यार दूर से भी मारो तो हेड लेगी। MP40 का यही अच्छा यूज़ है कि वो आप दूर से भी मारोगे तो हेड देना ही देना है उसको। और यहाँ पर एक और ये जिस स्क्वाड को अभी हमने मारा हो तो बहुत ही ज़्यादा मार रही थी सबसे स्टार्टिंग से, देखा होगा बार बार किल पे ना मारा था। और कोई फैब नाम का है जिसको
फैब रोज, जिसको अब्दुल ने मार दिया। स्क्वाड के साथ खेलोगे जो आपके साथ रहे, तो आपको सिचुएशन संभालने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और यहाँ तक कि हर एक तरीके की लूट आपको मिल जाएगी, ग्लूगोल से लेके स्कोप। तो देखो मेरा पूरा लेवल 30 का हो चुका है, जो कि बहुत तगड़ी हो जाती है। फिलहाल तो मैंने एक भी गन की स्किन यूज़ नहीं की इस गेम में, सब नॉर्मल ही है। और हाँ, कैरेक्टर, आपको कैरेक्टर तो एक ऐसा लेना चाहिए जो आपको, जैसे कि आप मेरा देख सकते हैं, मैंने क्ला लिया है, और मोको का है, पालोमा का है, जिससे एमओ एआरएमओ मैं ज़्यादा रख सकता हूँ, इससे मैं मतलब कि थोड़ा स्पेस बढ़ जाता है रखने का, तो लास्ट के सिचुएशन में बहुत काम आ जाता है। ग्लूवल तोड़ने के लिए एआरएमओ ज़्यादा लेना पड़ता है, इसलिए एआरएमओ कम से कम 200 तो है ही मेरे पास। देखो शेयर तो करना चाहिए, मेरे पास एक ही वॉल है, पता नहीं अब्दुल के पास बहुत वॉल रहता है, इसलिए मुझसे मांग रहा था, फिर गलती से मैंने एक वॉल लगा दी, जो कि बहुत ख़राब बात है मेरे लिए। अब यहाँ से निकलते हैं, और हमेशा ऐसे जगह से जाओ जोन में जहाँ पे आपको लगे कि आप जल्दी पहुँच सकते हो जोन में, क्योंकि आप अगर सेंटर से जाओगे जहाँ जैसे ओपन है वहाँ पे पूरा, फिर तो आपका कोई अच्छा सा भुर्ची बना देगा, ये तो कोई कहने वाली बात भी नहीं। सेंटर तो बहुत ही ख़राब चीज़ हो जाएगा जाने में। तो देखो मैं और अब्दुल, और पीछे भी देखना चाहिए कि कोई बंदा पीछे से ना आ रहा हो, और साइड साइड से जोन में सबसे पहले पहुंचने की कोशिश किया करो, क्योंकि जोन बहुत से बंदे होते हैं जो जोन को सीरियसली तो थोड़ा भी नहीं ले पाते, पर मुझे तो पता है कि भाई जोन बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है, क्योंकि लास्ट के जोन इतना ज़्यादा डैमेज देंगे कि आप मेडिकेट मारोगे तो भी कोई मतलब नहीं है। तीन बंदे हम, दो वॉल भी दो है, और हाँ पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है, पेशेंस रखना। बहुत सारे बंदे होते हैं कि चलो छोटा जोन है ऐसे है रश करके मार देंगे, नहीं यार पेशेंस होना चाहिए हमारे अंदर, क्योंकि सर्वाइव तो थोड़ा बहुत तो सर्वाइव करना ज़रूरी है हर प्लेयर के लिए, चाहे वो प्रो हो चाहे वो नया प्लेयर क्यों ना हो। वैसे भी खेलते खेलते खुद ही आ जाते हैं स्किल, कोई भी पहले से प्रो नहीं होता। अब देखिए हमारे प्लेयर को पड़ी, और यार वॉल भी नहीं मेरे पास कि मैं उसको रिवाइव भी कर पाऊँगा और ना जा पाऊँगा, इसलिए पहले कवर में जाओ, मजबूत कवर, क्योंकि वॉल तो कोई भी बंदा तोड़ सकता है आराम से, और उनके पास वो है पूरा सपोर्ट जोन का। तो देखो पहले मैं कवर में गया, पेड़ के कवर में, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेरे को फ़ायदा हो सकता है, और अब्दुल भाई अकेले तीन तीन को लेने की कोशिश कर रहे। चलो मैं जिस बंदे को डाउन करो उसको तो पूरा ही ख़त्म ही कर लो, और इधर उधर देखते भी रहो कि उसके पार्टनर ना रश कर दें। और ये विदाउट वॉल आ जा जा, जा। ये एक्सपोया देखा आपने कितने आराम से, अगर एक अच्छी स्पॉट हो जिसके साथ आप अच्छे से बात भी। इन बंदे ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मैं तो नया यूट्यूबर हूँ, थोड़ा सपोर्ट कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर कर देना अगर आपको किस तरीके की नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिस्टर इंडिया सैल्यूट यू।